हेलो गाइस, व्हाट अप एवरीवन, इट्स बॉय द्राइड। तो कैसे आप सब यार, आज आपके लिए एक नई वीडियो आ गया आपके अपने संजौली कॉलेज में। मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी संजौली कॉलेज से कि यहाँ पे आगे वीडियो बनाओ, तो आ गया एट लास्ट यहाँ पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पूछने वाले संजौली की ब्यूटीफुल लड़कियों से कि उनको किस तरह के लड़के पसंद है, कौन कौन सी क्वालिटीज वो देखते हैं अपने होने वाले हस्बैंड या फिर होने वाले बॉयफ्रेंड में, और साथ ऐसी कौन सी चीजें जो लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं है लड़कों के बारे में। तो गाइस, जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही है, आप भी कमेंट कर दो मेरे कमेंट सेक्शन में कि कैसे कैसे लड़के आपको पसंद है, क्या क्या क्वालिटीज पसंद है लड़कों में। तो गाइस, चलिए पूरी वीडियो देखिए एंड तक, और लाइक कर दो, लाइक टारगेट रखते हैं 3000 लाइक, आई होप आप सब ये कर दोगे यार। तो चलो चलते हैं संजौली कॉलेज की लड़की से पूछते हैं, कम ऑन। हम लड़के देखते हैं, लड़कों में जो दिखता है वो देखते हैं। किसी भी प्रकार का सैड नहीं देख सके आपको कितने प्रकार से सैड हो सकते हो आप मैडम, मेरे को ये बताओ। तो मतलब सक्सेसफुल हो, मतलब यूट्यूबर हो कोई शिमला का? हाँ बोला आप मैम है, आप पढ़ाते मैम यहाँ पे? मेरे बूते निकल गई मैम, मेरे को माफ कर दो। हेलो गर्ल्स, हाय, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मैं फेट एंजॉय कर रहा हूँ भेलपुरी खा के। यस, अच्छा तो टेल मी, आज का मेरे पास क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे लड़कियां लड़कों में क्या देखती है, किस तरह के लड़के पसंद करती है, मतलब आपके हिसाब से आप किस तरह के लड़के प्रेफर करते हो? नेचर, पर्सनालिटी। किस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए मैडम उसकी? लाइक जब भी किसी को डायरेक्टली पहले देखेंगे तो उसका नेचर तो पता होगा नहीं ऑब्वियसली, तो उस टाइम पे उसकी पर्सनालिटी, लाइक ही शुड बी टॉल, डार्क एंड हैंडसम, लाइक उतना हम छोटे कहाँ जाएं, मतलब मर जाएं। आई थिंक नेचर अच्छा होना चाहिए, ही शुड बी लॉयल। कहाँ होता है मैडम ये नेचर, कहाँ दिखता है लड़कों का नेचर? नेचर आई मीन बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। बात करने का तरीका अच्छा, मैं इतने अच्छे से बात करो, देखो आप सबसे आप तो प्यार हो ही, फिर ही शुड बी लॉयल। ही शुड बी लॉयल, लॉयल कैसे, मतलब कुत्ता हो जाए कतई, मतलब किसी और के पास जाए ना, मतलब मेरा अभी भी ब्रेकअप हुआ है तो यू नो ही वाज नॉट लॉयल। नो ही वाजंट, मीडिया बोल दिया ही वाज नॉट लॉयल। ओके, तो तुम्हारी तरफ से, तुम्हारी ही वाज योर सीनियर, सीनियरों से इश्क मत लड़ाया करो, सीनियर आते ही तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी लेने हैं। लड़कियां लड़कों में क्या देखती है, किस तरह के लड़के पसंद है लड़कियों को फर्स्ट ऑफ ऑल? जो लॉयल हो, हर एक मतलब कि मैनर्स काफ़ी ज़्यादा हो उनमें। मैनर्स कैसे मैडम? मैनर्स लाइक बात करने की सेंस होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जो अवारी मवाली टाइप होते हैं वैसे लोग नहीं होने चाहिए। आपके कुत्ते को भी नमस्ते करें। हाँ, मैं तो चाहती हूँ, बिकॉज वो आजकल के बॉयज से ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। लड़के लॉयल होने चाहिए। लॉयल कैसे होते हैं लड़के, मतलब जैसे कोई होता नहीं है ना, आपके जैसे दस्तमरी होते हैं सब। राइट आंसर, सेकंड क्वेश्चन। सो यू गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग इन बिटवीन द वीडियो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट था जो आपको बताना था, दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय लोकल गाइड डॉट इन, विच इज हिमाचल प्रदेश फर्स्ट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप बाय अनुज शर्मा ए के ए द लोकल गाय, एंड वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी। अनुज भाई हमेशा से यूथ के लिए कुछ करना चाहते, तो ही brought this plan in, that is the local guy. अगर आपको लगता है आपकी locality में या फिर ऐसी कोई जगह हैं जो आप explore कर चुके हो और आपको लगता है कि बाहर के जो tourist आते हैं उनको वो जगह देखनी चाहिए, these places are worth watching and visiting, so you are at the right place. आपको कुछ नहीं करना है, जाके इस website पे login करना है, दो easy steps में आपको अपनी information देनी है और अपने expedition और अपनी activities के बारे में बताना है कि आप क्या क्या करवाना चाहेंगे हमारे tourist को, और अपना एक price point भी रखना है कि इस price point पे आप वो करवाएंगे। Once you are online, people all around the globe will see you and will book you right there, and this will be a great opportunity for you guys to earn some bit of money while exploring our Himachal Pradesh. तो अगर आपको करना है तो जाके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके फॉलो करो उस लिंक को और नीचे रजिस्टर करो एंड बी द लोकल गाय। तो चलो वापस चलते हैं वीडियो में। मुझे तो सेंसिटिव पढ़ाकू और जिनका कोई गोल हो, एम हो लाइफ में, वैसे क्या देखते हो लड़कों में? हम लड़के देखते हैं, लड़कों में जो दिखता है वो देखते हैं। कुछ अच्छा दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखे तो फिर। कैसे लड़के पसंद करते हो, मतलब किस तरह के लड़के? जो गर्ल्स की रिस्पेक्ट करे स्पेशली, तो मतलब पैरों में गिरे रहे कि मैं तुम ही हो, मतलब पैरों में गिरने वाली बात नहीं है, बट अच्छे से बात करे सबसे, किसी को ये ना देखे कि हाँ ये कोई ऐसी है, मतलब अच्छे से बात करे सबसे, कोई भी गर्ल हो। मतलब लड़कियों को प्यार ज्यादा रिस्पेक्ट से है लड़कों से, है ना? मूड पे डिपेंड करता है। मैं लड़के बोले, कपड़े नहीं बोले, कपड़े नहीं बोले कि मूड है आज की खुले खुले पहनने, तो खुले लेके जा रही हूँ। मुझे तो हैंडसम और केयरिंग तो होना ही चाहिए, और उसका बात करने का तरीका
और जो मुझे कोई किसी भी प्रकार का मतलब सैड नहीं देख सके कभी भी। किसी भी प्रकार का सैड नहीं देख सके आपको कितने प्रकार से सैड हो सकते हो आप मैडम मेरे को ये बताओ। अब मेरा टाइम हो गया, मैं इनको ऐसे एक टिकट दूँ और इनसे एक सॉन्ग लगवाऊँ। मेरा फेवरेट सॉन्ग, अच्छा मेरा फेवरेट सॉन्ग लगा दो, तेरा रहूँ लगा दो रौनित भाई का, तेरा रहूँ। तेरा रहूँ लेटेस्ट सॉन्ग। ओके अच्छा कैसा लगा तेरा रहूँ, कैसा लगा? बहुत सही, बहुत अच्छा। तो रौनित भाई ये मैंने पैसे दिए एंड दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू रौनित विंडा। ये लग गया रौनित भाई का सॉन्ग। तो गाइज रौनित भाई का सॉन्ग आ गया तेरा रहूँ, जाके सॉन्ग को सुनो, बहुत ही बेरहम सॉन्ग है और सभी इंजॉय कर रहे हैं सॉन्ग को। कई लोगों को वैसे बोला जाता है, कहावत है कि लड़कियों की क्या देखो खूबसूरती और लड़कों की देखो पॉकेट, पर देर आर सम वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे लाइक अ स्पाउस विद फ्रेंडली नेचर, दे वॉन्ट टू सी अ फ्रेंड इन देयर स्पाउस। तो मैं कह सकती हूँ बेटा डिफरेंट डिफरेंट, पर मुझे लगता है कि आज की लड़कियाँ लड़कों में देखती हैं कि वो कितने जेंडर सेंसिटिव हैं, क्या वो उनकी इज्जत करेंगे, उनको प्यार से ज़्यादा बेटा उनको इज्जत चाहिए। आजकल की लड़कियाँ भी मुझे ऐसा लगता है बेटा कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी बदली नहीं है, वो सिक्योर, क्योंकि पैदा होते ही बच्चों को बोला जाता है तुम्हारा अल्टीमेट गोल है शादी करो और कुछ नहीं है। तो जैसे शादी ही दुनिया का अंतिम चीज़ हो गई है, जबकि वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं, पर इंडियन सोसाइटी को बदलने में भी बड़ा वक्त लगेगा। तो आज भी सिक्योर जॉब वाला लड़का देखा जाता है, सरकारी नौकर हो और अगर ऐसा हो ब्यूरोक्रेट हो, उसके बाद चार पांच फ्री के नौकर आए तो और भी अच्छी बात है। और पर देर आर सम वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे लाइक अ स्पाउस विद फ्रेंडली नेचर, दे वॉन्ट टू सी अ फ्रेंड इन देयर स्पाउस। तो मैं कह सकती हूँ बेटा डिफरेंट डिफरेंट, पर ओके हाय चैट बाद में करना। ओके टेल मी किस तरह के लड़के पसंद है लड़कियों को आजकल? जो सक्सेसफुल होनी चाहिए, मतलब सक्सेसफुल इन द सेंस जो अच्छे से अर्न करे सब कुछ। पैसा बोलो ना, सीधा सीधा पैसा चाहिए। सक्सेसफुल क्या होता है? हाँ ऐसा ही चाहिए, दोनों पाँव पे खड़ा हो। मैंने क्या बाल लगाए हुए नीचे? अच्छा अच्छा, तो मतलब सक्सेसफुल हो, मतलब यूट्यूबर हो कोई शिमला का? हाँ बोला। ओके तो ऐसी कौन सी हरकतें हैं ना जो मतलब लड़कों को करनी चाहिए टू इम्प्रेस अ गर्ल, ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो लड़के अपना सकते हैं? पहले मैम, पहले आपसे ना, आप मैम हैं, आप पढ़ाते मैम यहाँ पे? मेरे बूते निकल गई मैम, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को नहीं बताता सिंधोली कॉलेज में इतने ब्यूटीफुल टीचर्स भी होते हैं। अच्छा तो मैम बताओ मैम, मतलब लड़के ऐसी क्या चीज़ें करें मैम जो लड़की को इम्प्रेस कर सके? वो लॉयल होनी चाहिए। किस तरह के लॉयल मैम? लॉयल किस तरह के होते हैं? लॉयल ही होते हैं, मतलब आपके लिए लॉयल रहे, मतलब आपके से फोटो फोटो लगा के पूजा करें, मतलब सुबह शाम? ऐसे नहीं कहा मैंने। फिर कैसे मैम? मतलब गर्ल्स को कोई चीट ना करे। हाँ चीट ना करे, चीट ना करे, चीट करने को एग्जाम चल रहे CBSE के। रिस्पेक्ट से बात करें सबसे पहली बात। और हाँ जी, नो इतना भी नहीं, मतलब मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ आपसे, तब से यार कैसे बातें कर रहे हो आप? लड़के में सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए खाने की, पीछे कभी ना रोके, कभी ना, मतलब बोल दे भाई तूने जितना खाना है तू खा। हाँ ऐसा बोल ले। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस मीटिंग टू यू गाइस। डिस्काउंट मिलेगा कहाँ पे? हेडक्वार्टर्स में। मैम हेडक्वार्टर्स पे मिलेगा 20% डिस्काउंट और आपको भी मिलेगा 20% डिस्काउंट। मुकुल भाई देख रहे हो? अरे तनाकता जी। ओके तो टेल मी वन थिंग जो लड़कों को करनी चाहिए, दैट्स अ टिप फॉर दोस गाइस, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीजें लड़के कर सकते हैं? मतलब जो भी लड़कियां बोलती है बस हाँ में हाँ मिलाओ और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती ज्यादा, बस जो वो बोलेगी मानो बस। हाँ मैं हाँ मिला है, मतलब कुत्ता बन जाए कत, पूरा पट्टा पुट्टा पहन के ले जा रही मैडम मॉल रोड घुमा रही हूँ। लड़कियाँ इतना भी कुछ नहीं कहती यार, और डेट्स याद नहीं रखते। डेट्स मतलब आदमी को हिस्ट्री पढ़वा दो तुम, प्यार मत करवाओ हिस्ट्री पढ़वाओ, मतलब डेट्स इन द सेंस की अगर हम लाइक होता है ना स्पेशल चीज होती है। बाबू आज हम फर्स्ट डे मिले थे, तुमने छीका था उस दिन ना, लास्ट ईयर छीका था बेबी आपने इस दिन, ऐसी डेट्स याद रखे बाबू। उस दिन पेट खराब हुआ था, याद है आपको पेट खराब हुआ था 20 नवंबर 2019 को, बर्थडे वैलेंटाइंस डे, कुत्ते का बर्थडे, पापा का बर्थडे, मम्मी का बर्थडे, जानू का बर्थडे, सोना का बर्थडे, बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे,
बेटा विचार विचार अपने ठीक करोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए जब आप जेंडर सेंसिटिव हो जाएंगे, आप एक दूसरे औरत को एक ह्यूमन समझेंगे विद फुल राइट्स, उनकी इज्जत करेंगे, तो आपको लड़कियां अपने आप आपके पास आएंगी, वो आपको प्रपोज करेंगी इंस्टेड ऑफ यू प्रपोजिंग देम। तो ये राज की सो मच गुरु, हमारे लव गुरु की टिप रही। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर सच अ सच एन अपॉर्चुनिटी एंड प्लेजर। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन ब्लॉग क्या देखना चाहोगे मैं नेक्स्ट वीडियोस में। और जैसे आए आज सिंधोली कॉलेज वैसे आएंगे, और सारे कॉलेजेस भी आरकेएम भी आएंगे, गोडशेर आएंगे, और बीट्स कभी नहीं आ पाएंगे यार, बीट्स में लड़कों की एंट्री अलाउड नहीं। तो गाइज सजेस्ट करना ना भूलें नीचे की नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना। तब तक के लिए डू व्हाट आई वांट टू डू माय फ्रेंड्स, बट डोंट ट्रबल योर मदर। तब तक के लिए चलते हैं और एडिट करनी है ये वीडियो मेरे को।